राइट अप सो रोलिंग मोशन का नेक्स्ट सेशन है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रोलिंग मोशन के काफी सारे बातें सीखी थी रोलिंग मोशन प्राइमरीली क्या होता है ये सीखा था इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन बोल सकते हैं एंड रोटेशनल मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन मोशन होता है राइट right, तो उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं और हमने प्योर रोलिंग के बारे में कुछ सीखा था कि प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है प्योर रोलिंग मतलब नो no स्लिपिंग और नो no स्लुपिंग का मतलब वी शुड हैव अ सिंक बिटवीन द ट्रांसलेशनल एंड अ रोटेशनल मोशन मतलब सीधे सीधे में ट्रांसलेशन स्पीड जो होनी चाहिए वो रोटेशन स्पीड के साथ में बैलेंस इन करनी चाहिए कोई ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए और अगर हो जाती है मतलब मैचअप नहीं होता है तो फिर स्लिपिंग शुरू हो जाएगी तो दो तरीके की स्लिपिंग हमने पढ़ी थी एक फॉरवर्ड स्लिपिंग होती, होती है एक बैकवर्ड स्लिपिंग होती है फॉरवर्ड स्लिपिंग बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचे तो मतलब लीनियर क्वेश्चन जो होगा वो ज़्यादा होगा मतलब लीनियर मोशन रोटेशन के कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाए तो हम उसको स्लाइडिंग बोलेंगे या फॉरवर्ड स्लिपिंग बोलते हैं और कहीं अगर रोटेशन ज्यादा हो मतलब आर ओमेगा अगर हम फील करते हैं ज्यादा हो जाए और लीनियर मोशन उतना ना हो पाए तो उस वजह से फिर वो बैकवर्ड स्लिपिंग कहलाएगी क्या कहलाएगी बैकवर्ड स्लिपिंग कहलाएगी ठीक है ना मतलब रोटेशन ज्यादा है उसके मैंने दो एग्जाम्पल्स भी आपको दिए थे और मोटी मोटी बात की अगर ऐसा होता है कि स्लिपिंग होती है तो फिर आपकी मतलब अगर आपकी व्हील्स गाड़ी की बात करें तो वियर एंड व्हीयर होगा रीजन फ्रिक्शन को आना पड़ेगा क्योंकि हमारी पुरानी स्टेटमेंट है और फिर हो जाएगा. Right? So, हम हैं कि ऐसा ना हो तो एक होता है। उस को हम क्या बोलते हैं प्योर रोलिंग बोलते हैं इसका मतलब उसके अंदर स्लिपिंग हम कोशिश करते हैं कि नहीं होगी तो ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो किसी आइडिया के ऊपर होंगे दैट इज फॉर द नो स्लिपिंग दैट इज रोलिंग rolling, rolling तो विदाउटिंग चलो आज का लेक्चर यहां से बिगिनिंग करते हैं और पुरानी बातें तो डेफिनेटली होंगी और आगे भी बढ़ेंगे सो इट्स लाइक द मोशन ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हील एज वी आर एबल टू सी नॉ देर इज अ पॉइंट ऑन द पर्टिकुलर व्हील एंडुलर पॉइंट मोशन वी नीड टू स्टडी देखो सेंटर मास जो है ना जो सेंटर मास से है व्हील का देखो ऑब्जर्व करो एनिमेशन में तो so, से जो सेंटर मास है जो व्हील का वो बिल्कुल ट्रांसलेट करो बिल्कुल सीधे जा रहा है बिल्कुल सीधे जा रहा है इट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन राइट डेजो सेंटर है ना इसका ये बिल्कुल इस पर्टिकुलर लाइन पे मूव कर रहा है इट्स मूविंग इन दिस लाइन स्ट्रेट लाइन जो सेंटर है लेकिन जो व्हील के ऊपर एक पॉइंट है उसी का एनिमेशन है वो जो है वो अजब गजब पाथ है उसका वो अलग-अलग जगह मतलब उसकी जो ट्रजेक्टरी है वो अजब, अलग अलग सी है अलग सी मतलब मतलब मैं क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो पैराबोलिक है क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो सर्कुलर है स्ट्रेट लाइन तो कतई नहीं है बिल्कुल भी नहीं है तो क्या है भाई तो फिर हमने उसके लिए ना लास्ट लेक्चर में एक और आर्टिकल किया था पहले उसको करते हैं दैट रोलिंग स्पीड और ये सब कुछ कब की बात हो रही है जब हम प्योर रोलिंग की बातें कर रहे हैं ना प्योर रोलिंग कंडीशन लगाने के बाद फिर हमने रोलिंग स्पीड डिराइव करी थी एंड द रोलिंग स्पीड वाज सपोज्ड टू बी ट्वाइस ऑफ वी साइन ऑफ थीटा बाय थी और ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला कोई जनरलाइज सा फॉर्मूला है हमने कंडीशनल फॉर्मूला बनाया है किस प्रकार इमेजिन की जो पॉइंट है नीचे वाला ये वाला जो पॉइंट है वो जब व्हील रोल कर रही थी तो ये इस जगह पहुंच गया पी प्राइम यहां पहुंच गया पर्टिकुलर पॉइंट तो एंगल जो है वो सेंटर के रिस्पेक्ट में थिट्टा ट्रेवल हो गया तो इस पॉइंट पे इसकी जो रोलिंग स्पीड होगी रोटेशन स्पीड तो आर ओमेगा है सेंटर मास स्पीड वी है लेकिन जो रोलिंग स्पीड होगी मतलब दोनों के वेक्टर सम से हमने ये भी सीखा था कि जो वी रोलिंग होती है वो कैसे आती है एस बेसिकली द वेक्टर एडिशन ऑफ द ट्रांसलेशन एंड द रोटेशन तो वो जो पर्टिकुलर स्पीड है वो कितनी है वो टू वी साइन ऑफ थीटा बाय टू है ये हमने सीख लिया था जी ठीक है और ऐसा करके थोड़ा मतलब मेहनत करके हमने क्या करा था तो हमने पता चल गया था कि जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं ना तो उनकी स्पीड्स क्या होती हैं तो जो लोएस्ट पॉइंट होता है वहां पे स्पीड जीरो होती है मतलब वो पॉइंट रिलेटिव रेस्ट पर होता है ना तो जीरो होती है लोएस्ट पॉइंट की और यहाँ पे सिक्सटी डिग्री एंगल पे अगर हमने एक पार्टिकल देखा था तो वहां पे स्पीड वी आ रही थी रोलिंग स्पीड से डिग्री एंगल पे 2 वी आ रही है ना फिर वन ट्वेंटी डिग्री पे हमने देखा था रूट थ्री वी आ रही थी इसी फॉर्मुले से देखा था हमने और हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम स्पीड आ रही थी टू वी आ रही थी ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोलिंग स्पीड्स हमने चेकअप ऑन करी थी ठीक है तो ये बात समझ में आ जाती है कि ये स्पीड किसकी है उस रोलिंग पार्टिकल की है सेंटर ऑफ मास पार्टिकल रोल नहीं करता है सेंटर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वो ट्रांसलेट कर रहा है जो व्हील के ऊपर जो पॉइंट है वो कर रहा है, तो है तो एक रोलिंग पूरे, एक पूरे है उसका मोशन अजब गजब है, है ना? वो फाइनली किसी रस्ते से घूम घाम के वापस नीचे ग्राउंड पे पहुंच जाएगा ये व्हील मोशन से आपको दिख रहा है कि वो जो येलो वाला पॉइंट है वो किस तरीके से जाके वापस ग्राउंड पे पहुंच गया है तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो अपने को निकालने को है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वो हम यहां से निकाल सकते हैं थोड़ा इंटीग्रेट मारना पड़ेगा भाई देखो स्पीड ऑफ रोलिंग जो है उसको कैसे लिखेंगे डीएस अपटी कैसे लिखते थे हम इंटीग्रेशन में पहले सो दैट डीएस लिख लेते हैं स्पीड ऑफ रोलिंग को और दैट बिकम टू वी साइन थी डू अब देखो प्योर रोलिंग कंडीशन है मतलब ओमेगा तो चल ही रहा है है ना वो तो चल ही रहा है वीकोल टू आर ओ तो वो तो एप्लीकेबल है ही है साथ में तो ये जगह हमने क्या और कितना है है बोलो तो ठीक लगा ही प्रोड्यूस नहीं, नहीं करी करिए कॉन्स्टेंट स्पीड मान के चल रहे हैं सो दैट इज साइन ऑफ ओमेगा टी और टू ये बन गया थीटा की जगह कितना आ गया ओमेगा टी आ गया ये हमारे एक्सप्रेशन से बन गया अब क्या करना आपको डिस्टेंस निकालना है कि जो पॉइंट पी है ना जो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सेंटर वाला पार्टिकल पूरे में कितना डिस्टेंस सीधे जा रहा है।, ये कितना उसका मुद्दा है तो वो देखते हैं so, ds sin t 2 dt. ये हो गया। अब इसको को करते हैं इंटीग्रेट ओमेगा कॉन्सेंट है बाहर साइन फंक्शन इंटीग्रेट करना बेसिकली तो ज्यादा मुश्किल इंटीग्रेशन है नहीं इससे आपको ये एस मिल जाएगा जो कि वो पॉइंट पी का डिस्टेंस है पूरा एक चक्कर मतलब सेंटर अमाज पार्टिकल जो यहां से शुरू हो गए है ना देखते हैं भाई कहां तक गया कहां तक गया ये ये गया यहां तक तो यहां तक और शुरू कहां से हुआ यहां से तो ये जो पूरा डिस्टेंस ये सेंटर मास ने ट्रेवल करा ये कितना है ये पूरा टू पाई आर है ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पूरा टू पाई आर है ये सेंटर मास का डिस्टेंस है है ना ये पूरा एक्सम डेट इज इक्वल टू टू पाई आर ठीक है ये सेंटर मास का डिस्टेंस है अब ये देखते हैं इससे ज्यादा आता है कि कम आता so है तो दैट इज टू आर ओमेगा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस सीटा होता है सो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई टू हो गया और चेन रूल लगानी हम बोले तो है नहीं ना तो टी का कोविशन कितना है ओमेगा बाई टू और इंटीग्रेशन में क्या करना होता है डिवाइड करना होता है याद है सबको डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं और लिमिट क्या लगाएंगे पूरा एक चक्कर घूम गया वो तो इसका मतलब जीरो से लेके क्या आएगा कैपिटल डी था कैपिटल डी मतलब कितना हो गया टू पाई वन ओमेगा पूरा एक चक्कर घूम गया ठीक है ना कंप्लीट अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सो इस इज इक्वल टू टू आर ओमेगा स्क्रीन पे पढ़ा नहीं रहा हूं तो स्क्रीन में जगह बहुत होती है लेकिन अभी अभी आईपेड पर पढ़ा रहा हूँ आईपेड पे जगह कम है तो मतलब कंसर्न फील होता है टू आर ओमेगा और नीचे से टू ऊपर आ गया और नीचे वाला ओमेगा कैंसिल हो जाएगा बाकी लिमिट लगा देते हैं माइनस साइन है तो लोअर लिमिट पहले लगाते हैं तो कॉस जीरो वन हो जाएगा एंड माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा बाय ओमेगा कैंसिल एस कितना नहीं हुआ जीरो तो पाई कितना हो गया माइनस वन हो गया सो वन माइनस माइनस वन कितना हो गया टू आ गया सो टू इंटू फोर आर कितना हो गया एट आर हो गया तो एट आर डिस्टेंस आ गया अभी तो समझ नहीं आ रहा है टू पाई आर से ज्यादा है कि कम है तो देख लेते हैं पाई कितना है थ्री पॉइंट वन फोर So, तो आर से ज्यादा आ रही है, ये आपकी नहीं, नहीं भाई, स्लिपिंग नहीं है। पाथ देखना है भाई है। पाथ क्या है उसका वो देखना है तो अब उसका पाथ बनाते हैं डिस्टेंस तो समझ में आ गया कि वो एड आर आ रहा है और टू पा आर से ज्यादा आ रहा है तो देखते हैं भाई कि अब ये क्या है पूरा आइडिया तो अब ये मैंने बना के रखे मेहनत करके रखी है तो

क्योंकि तो एक्चुअली तुमने ये बोला था ना कि ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो क्या होगा वो ऊपर की तरफ चलना शुरू होगा ना यहाँ पे क्योंकि ये तो आगे जाएगा पीसीएम से और साथ में रोटेट भी करेगा तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट चलना शुरू हो जाएगा यहाँ पहुंच जाएगा पी प्राइम पे है ना तो ये वाला पॉइंट मान लो यहाँ पहुंच गया है ना फिर ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा क्योंकि आगे भी तो जा रहा है ना ट्रांसलेट भी तो कर रहा है तो यही वाला पॉइंट है ना फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच गया फिर ये वाला पॉइंट वापस यहाँ पहुंच गया रेड पॉइंट ये अलग अलग इंस्टेंट पे ये पॉइंट है घूम रहा है ना रेड पॉइंट तो इसको हमने अब क्या करा ऐसे ज्वाइन कर दिया ठीक है इसको हमने क्या करा ज्वाइन कर दिया दिख रहा है? मुझे आ रहा है है आ तो ये कर दिया और ये क्या बन गया पाथ बन गया ये क्या हो गया आसान भाषा में लिखते हैं पहले पाथ ऑफ द रोलिंग व्हील पार्टिकल है ना पाथ ऑफ द रोलिंग व्हील पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पार्टिकल की बात नहीं हो रही वो बहुत सोखा है सेंटर मास हमेशा सोखा होता है ना कैसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है 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 ना स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन ये जो पार्टिकल है ये जो व्हील वाला पार्टिकल था वाला पार्टिकल था उसका क्या है? का नाम बताओ इसको बोलते हैं हम साइक्लोइड क्या बोलते हैं इज नॉट अ पैराबोला देखने से आपको लगेगा है कोई बोलेगा सर्कल जैसा लग रहा है सो इट इज नॉट साइक्लोइड सो सेंटर मास इन अ लीनियर पाथ एंड ऑफ पार्टिकल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पार्टिकल दूवस एन मूव्स इन अ साइक्लोइड पाथ दैट्स अ साइक्लोइड और ये जो डिस्टेंस हमने निकाला है ये पूरा सॉकेट का डिस्टेंस है पूरा मतलब ये पॉइंट जो है ये कौन है ये क्या बात है ये कौन है कौन है मतलब इसको पी वन लिख लेते हैं ये क्या मतलब हुआ अब भाई देखो ये जब पॉइंट ये वाला जब ऊपर गया तो इसकी जगह कोई और आएगा ना नीचे तो कोई ना कोई तो नीचे पहुंचेगा तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पार्टिकल बन जाएगा कोई ना कोई जगह लेगा ना नीचे वाले की तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कोई ना कोई पार्टिकल तो हमेशा कॉन्टेक्ट में होगा पर वो अलग अलग पार्टिकल है क्योंकि जो पी वाला पार्टिकल था वो तो ऊपर चला गया वो तो पहुंच गया ये पार्टिकल पी तो यहाँ गया उसकी जगह कोई और आ गया वहां फिर वो पी वाला पार्टिकल तो यहाँ पहुंच गया है ना और पी वन वाला पार्टिकल वो पी की जगह पहुंच गया होगा तो यहाँ पे कोई और पार्टिकल आ गया पी टू है कि नहीं फिर ये पी वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच गया और यहाँ पे कोई और पार्टिकल है अभी थ्री नीचे जिसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पार्टिकल बोल रहे हैं फिर वो पी वाला पार्टिकल वापस यहाँ पहुंच गया तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा एडार जो हमने निकाला पीछे राइट सो डिस्टेंस ट्रैवल कितना आया एडार आया किस पाथ से साइक्लोइड से और डिस्प्लेसमेंट कितनी है वो टूपाईर है डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल जॉइन करो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ना फिर तो से तो मतलब सेंटर मास पार्टिकल जितनी बन जाएगी मतलब वो टूपाई आर आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी पाई आर और डिस्टेंस कितना आ रहा है उसका एडार चलो क्लैरिफाइड होगी और ये सारा कुछ तब है जब प्योर रोलिंग है ऊपर लिखा हुआ है मैंने है ना बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कोई डाउट नहीं है इसके अंदर प्योर रोलिंग के अंदर ये वैल्यूज है एडार का डिस्टेंस प्योर रोलिंग में है साइक्लोड वाला एडार प्योर रोलिंग में अगर प्योर रोलिंग नहीं होगी तो फिर यह डिस्टेंस चेंज हो जाएगा बढ़ जाएगा कम हो जाएगा डिपेंड करेगा फॉरवर्ड स्लिपिंग है या बैकवर्ड स्लिपिंग है तो सारा डेटा जो भी वैल्यूज है कंक्रीटली वो सब कब है जब प्योर रोलिंग कंडीशन है मतलब ओमेगा जिंदाबाद है एक्स इक्वल टू आर जिंदाबाद है इक्वल टू आर एल्फा जीवित है तब ये पर्टिकुलर कंडीशन है चलो डन है अब कुछ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है देखो प्योर रोलिंग में क्या होता है प्योर रोलिंग का बेसिक मतलब क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ इज जीरो है ना रिलेटिव वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज जीरो और ये सारा कुछ कब हो रहा है स्टेशनरी फ्रेम पर हो रहा है ये भी ध्यान है ग्राउंड स्टेशनरी होता है हिल नहीं रहा है तो सब कुछ स्टेशनरी फ्रेम पर हो रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ एलोसिटी जीरो का मतलब क्या हुआ ग्राउंड तो पहले रेस पर है इसका मतलब पॉइंट भी रेस्ट पर है स्पेशल कंडीशन है ये कब स्टेशनरी 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 ग्राउंड पर फ्रेम फ्रेम पे ऑन ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ किस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी ऑफ पी है वो जीरो है वो रेस्ट पर है हमने पीछे फॉर्मूले से भी देख लिया था टू वी थीटा बाई टू अब यहां पे वी पी वन जीरो हो गया क्योंकि कोई और पार्टिकल नीचे आ गया और उसकी भी स्पीड वहां पे जीरो हो गई एक्चुअली में एक वी आगे होती है आर ओमेगा पीछे होती है और वील टू ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं कहां पे पे लोएस्ट पॉइंट कहां पर होते हैं सिर्फ लोएस्ट पॉइंट पे सिर्फ लोएस्ट पॉइंट पे ये मौका मिलता है कि v और और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं क्योंकि के बराबर होती है परफेक्ट सेटिंग होती है तो लोएस्ट पॉइंट की स्पीड कितनी हो जाती है जीरो और किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं होता है यहां पर होता है तो जो भी पार्टिकल नीचे पहुंचेगा जो भी पार्टिकल नीचे पहुंचेगा उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी जीरो उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी यहाँ पे वीपी थ्री जीरो हो गया अब पी वाला पार्टिकल होगा वापस पहुंच गया फिर स्पीड जीरो हो गई ए बढ़िया गलत है मतलब लोएस्ट वाले पॉइंट की स्पीड हमेशा जीरो होगी हर इंस्टेंट पे जिस भी इंस्टेंट पे देख लें लोएस्ट वाले पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी जीरो होगी अब आगे आगे महत्वपूर्ण बात जब ये पार्टिकल पी पे पहुंचा तो उसकी स्पीड कितनी है हॉरिजॉन्टल पार्टिकल बन गया भाई ये तो अब हॉरिजॉन्टल पार्टिकल की स्पीड हमने कितनी बताई थी रूट टू भी और इस डायरेक्शन में होगी टेंजेंट बनेगा ना और कितनी होगी रूट टू भी होगी इसकी है ना और जब ये ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंच गया तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी टू भी हो जाएगी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है तो लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड उसकी कितनी थी जीरो हॉरिजॉन्टल पे पहुंचा तो स्पीड कितनी होगी बढ़ गई रूट टू भी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो स्पीड कितनी होगी टू भी होगी अब उसकी डाउनवर्ड जर्नी शुरू होगी वापस नीचे आ रहा है तो यहाँ पे पहुंचा टेंजेंट बनाया यहाँ पे और स्पीड कितनी है रूट टू भी क्योंकि हॉरिजॉन्टल पॉइंट की स्पीड कितनी होती है रूट टू भी हमने बहुत लास्ट लेक्चर में ये सारी बातें करी हैं और फिर वापस नीचे पहुंच के उसकी स्पीड कितनी होगी जीरो होगी ये रोलिंग व्हील पार्टिकल ये रोलिंग स्पीड सही है ना समझ में आ रही है ना तो रोलिंग स्पीड किस प्रकार चेंज हो रही है लेकिन इन सब में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पार्टिकल है वो हर इंस्टेंट पे रेस्ट पर है लोएस्ट पार्टिकल हमेशा रेस्ट पर है बाकी सारे पार्टिकल की स्पीड है लोएस्ट पार्टिकल रेस्ट पर तो स्पेशल हो गया स्पेशल हो गया रेफरेंस हो गया क्या हो गया स्पेशल हो गया रेफरेंस हो गया अब भाई ये बताओ कि ये रोलिंग मोशन है या रोटेशन है रोलिंग है भाई हम तो बोल ही रहे हैं ना भाई देखो आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है तो रोलिंग है अच्छा तो रोलिंग है अब रोलिंग मोशन के सवालों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है स्पेशली जब हम प्योर रोलिंग की बातें करते हैं कि सेंटर को देखा सेंटर को देखा तो भ्रम हुआ भ्रम नहीं हुआ मतलब सच है कि वी भी है ओमेगा भी है तो कैसा लगेगा रोलिंग मोशन है ही एक्चुअली में रोलिंग है लेकिन अगर आप लोएस्ट पॉइंट को देखोगे दोबारा दोबारा लोएस्ट पॉइंट को देखोगे तो वहां पे V नहीं है वहां पे V जीरो है तो वहां पे ट्रांसलेशन नहीं फील हो रही है ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट को जो कि रेस्ट पे हो सिस्टम में दोबारा से रोटेट तो कर ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड नहीं आ रही है तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन याद होगा आपको जब कोई प्योर रोटेशन में होता था तो इस पॉइंट के अबाउट तो बोलते थे सेंटर वाला पॉइंट मूव नहीं करेगा तो हम उसको क्या बोलते थे सीओ आर क्योंकि वो रेस्ट पर होगा तो सेंटर ऑफ रोटेशन पॉइंट की खासियत क्या होती है कि वो क्या रहता है रेस्ट पे रहता है 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 ना इसके अंदर सेंटर ये जो कंडीशन इसमें सेंटर वाला पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है वो तो आगे जा रहा है तो रिजिड बॉडी तो रोलिंग में है लेकिन अगर आप उस रिजिड बॉडी के अंदर लोएस्ट पॉइंट देखेंगे लोएस्ट पार्टिकल देखेंगे तो भाई वो तो रेस्ट पर है क्यों क्योंकि प्योर रोलिंग कंडीशन लगी है तो वो रेस्ट पर है तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे सीओ आर ये वाला पॉइंट हमारा क्या है सीओआर है ये वाला पॉइंट हमारा क्या है सीओआर है लेकिन ये अलग-अलग पार्टिकल हैं ये पी पार्टिकल था ये पी वन पार्टिकल है अलग-अलग तो पार्टिकल हैं तो अलग-अलग इंस्टेंट पे अलग-अलग पार्टिकल सीओआर है अलग-अलग पार्टिकल सीओआर है इस वजह से इसको बोलते हैं आईसीओआर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन पर होगा वो नीचे ही पर अलग-अलग पार्टिकल्स हैं वो पर होगा वो लोएस्ट पॉइंट पे ही क्योंकि आईसीओ आर बोलते हैं क्या बोलते हैं आईसीओ आर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन दोबारा से बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कहां पर है लोएस्ट पॉइंट पर है दिस इज एट द लोएस्ट पॉइंट आईसी O -R. और यहां से जो एक्सेस हो, पर हो होती है उसको क्या बोलोगे एओ आर एक्सेस ऑफ रोटेशन ये क्या है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन तो वहां से जो एक्सेस बनेगी क्या बोलोगे इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन आई एओ आर टेक्निकली एडवांस uh, में या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये बोला जाता है कि आई ए ओ आर का कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं करते हैं ये तब की बातें हैं जब सब्जेक्ट के पेपर हुआ करते थे और सब्जेक्ट के पेपर के अंदर ये अलाउड नहीं होता था कि आप इंस्टेंटेनियस एक्सेस को यूज करेंगे लेकिन विद टाइम दस बिकम ऑब्जेक्टिव एंड हेंस वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एट वेल और इससे कई बार क्वेश्चन कई बार नहीं मैक्सिमम टेंस क्वेश्चन बहुत सौखे हो जाते हैं इस वजह से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को करना एब्जॉर्ब करना अप्लाई करना बेहद जरूरी होता है जो नहीं करेगा वो क्वेश्चन फिर भी कर पाएगा पर हो सकता है तिगुने टाइम में चार गुना टाइम में कर पाए क्वेश्चन और साथ में गलती होने का भी स्कोप होता है राइट right? तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है एब्जॉर्ब करिएगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आईसीओ आर आई एर लोएस्ट पॉइंट इन द प्योर रोलिंग आगे बढ़ते हैं अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को देखने का बहुत ही आसान तरीका है बहुत ही इजी तरीका है देखो हमने पहले अपने मेथड से सीख चुके हैं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट की कितनी स्पीड थी हम ये बात को सीख चुके थे कि जो पॉइंट है 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 उसकी स्पीड कितनी जीरो है? डिग्री है। वाले पार्टिकल की स्पीड कितनी थी वी आ रही थी नाइनटी डिग्री वाले पार्टिकल की कितनी आ रही थी रूट टू वी आ रही थी वन ट्वेंटी डिग्री वाले की कितनी आ रही थी रूट थ्री वी आ रही थी हाइएस्ट पॉइंट की कितनी आ रही थी टू वी आ रही थी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था क्योंकि सेंटर पे v भी देखते हैं उमेगा भी देखते हैं तो भाई दो दो चीजें देखोगे तो कॉम्प्लेक्स लगेगा ही ना तो क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं जिसके अंदर हमें एक टाइम पे एक ही चीज देखनी पड़े कर सकते हैं अगर हम लोएस्ट पॉइंट को देख लें प्योर रोलिंग सिर्फ प्योर रोलिंग वाली कंडीशन है तो लोएस्ट पॉइंट क्या होता है रेस्ट पर होता है मतलब उसकी वी नहीं देखनी पड़ेगी तो सिर्फ क्या देखनी पड़ेगी उमेगा तो हम उस पॉइंट के अबाउट क्या देखेंगे उमेगा और हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि लोएस्ट पॉइंट के अबाउट वो प्योर रोटेशन में आता सेंटर के अबाउट इट इज इन ट्रांसलेशन वी भी है ओमेगा भी और रोटेशन मतलब सेंटर के अबाउट देखेंगे तो ये रोलिंग मोशन है सट प्रतिशत एक्चुअली लेकिन आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि लोएस्ट पॉइंट के अबाउट वो प्योर रोटेशन में रिपीटिंग अगेन लोएस्ट पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में है राइट सो अ रोलिंग ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग बोल अ प्योर रोलिंग ऑब्जेक्ट अबाउट द लोएस्ट पॉइंट इस वाली कंडीशन में मतलब अबाउट द लोएस्ट पॉइंट मतलब जो बेसिकली सीओ आर है सो टेक्निकली करेक्ट लैंग्वेज क्या होगी इन द प्योर रोटेशन अबाउट द सीओ आर और सीओ आर कौन सा पॉइंट है जोस्फर है रेस्फर कौन सा पॉइंट प्रूव कर रहा है, है? करा है हमने lowest point. तो वहां पर हमिका देख सकते हैं यहां से जीवन बहुत सौखा हो जाए बहुत सोखा हो जाता है कैसे देखो अब क्योंकि लोएस्ट पॉइंट के अबाउट आपने ओमेगा ले ली लोएस्ट पॉइंट के ओमेगा आ गई ये देखो, ये वाला वाला पॉइंट पॉइंट देखो तो इसका डिस्टेंस यहां से कितना हो गया टू आर हो गया है ना तो ये इसके अबाउट घूमेगा सर्कल में ये इसके अबाउट सर्कल में घूमेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी एक ओमेगा जितना डिस्टेंस है उस पॉइंट से उस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है कौन सा पॉइंट ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है I you, और इस तो डायरेक्शन में होगी मैच कर रही है क्योंकि आर ओमेगा के बराबर है क्योंकि प्योर रोलिंग है वी आर तो मैच कर ये वाला पॉइंट देख लेते हैं तो इसका डिस्टेंस देख लेते हैं यहां से इसका डिस्टेंस कितना हुआ है यहां से देखो ये वाला डिस्टेंस रहा है डिस्टेंस आर है तो ये कितना होगा रूट टू तो आर तो इस पॉइंट की स्पीडिक रूट तो तो टू तो वी के बराबर, तो तो बराबर स्पीड होगी तो बिल्कुल मैच की कितनी आ रही है डायरेक्शन के साथ आ रही है तो किसी भी पॉइंट की देख ले जैसे इस वाले ऊपर वाले डायग्राम में देखो इस वाले पॉइंट की देखनी

वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ रहा था टू वी साइंटा पॉइट उससे भी आएगा सेम आंसर इससे भी सेम आंसर आएगा क्योंकि ये भी रोलिंग स्पीड देखता है और इस वाले मेथड से भी सेम आंसर आएगा ऐसे फॉर्मूला लगाना पड़ता है इसे सीधा देख के समझ में आ जाता है कि लोएस्ट पॉइंट से कितना डिस्टेंस है देखना और ये थोड़ा दिमाग में ना इजीनेस क्रिएट करता है ये वाला तरीका ये देखो ये वाला पॉइंट है ए पॉइंट लोएस्ट पॉइंट ठीक है लोएस्ट पॉइंट जो है इसके अबाउट ओमेगा कर लिया हमने और जितने भी पार्टिकल हैं बाकी उस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे मतलब और बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं कहीं कहीं पर जैसे ये वाला पार्टिकल है तो ये इसके अबाउट रोटेट करेगा उसका सर्कल ऑफ रोटेशन होगा ये वाला पार्टिकल है वो रोटेट करेगा तो मान लो ये पी वन पार्टिकल है ये पी टू पार्टिकल है तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी तो बड़ा सोखा हो गया जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो साफ दिख रहा है कि पी टू का डिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब टू मोर देन इतना सोखा हो जाएगा। Otherwise, उसके individual देखनी पड़ेगी आपको कि कितने पर है पता नहीं कहाँ पर है क्या है rotation कितनी translation कितनी बड़ा मुश्किल होता लेकिन ये बहुत सोखा हो गया क्योंकि आपको क्या देखना है लोएस्ट पॉइंट से कितना डिस्टेंस आ रहा है किसका ज्यादा आ रहा है वो जीत गया उसकी स्पीड ज्यादा आएगी डेफिनेटली क्योंकि हम तो सीधा ही लिखेंगे वी इक्वल टू आर ओमेगा लोएस्ट पॉइंट से देखना सेंटर से नहीं देखना क्योंकि सेंटर के बॉडी प्योर रोटेशन में नहीं है

और ट्रांसलेशन कैसे पता चलता है सेंटर अबाउट वी है अब इसका मास एम रख लेते हैं तो इसकी कनेडिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मिल जाएगी आपको कितनी हाफ ऑफ एम वी स्क्र और इसका मोमेंट ऑफ इन आगे रख लेते हैं तो इसकी कनेडिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भी मिल जाएगी वो कितनी हो जाएगी हाफ ऑफ आई ओमेगा अबाउट ओमेगा भी सेंटर के अबाउट ठीक है ना अब इन दोनों को जोड़ लो इन दोनों को जोड़ लो तो क्या बन जाएगी कनेडिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग मोशन ये तो बहुत ही सिंपल है दो किस्म की एनर्जी एनर्जी स्केलर होती है दोनों का ऐड कर लिया आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मिल गई ये आपका जनरल एक्सप्रेशन आ गया जनरल मतलब बोले तो इसके अंदर कोई आपने कंडीशन नहीं लगाई कि भाई प्योर रोलिंग है कि नहीं है ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया वी और आर ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन है अपने को पता नहीं है अभी अगर आपने लगा दी है ना अब आपने लगा दी आप आपने प्योर रोलिंग कंडीशन लगा दी तभी तो ये कॉन्सेप्ट लगता है ना है ना नीचे लोवस्ट पॉइंट का आईसी ओवर का तो अगर आपने प्योर रोलिंग लगा दी तो लगाते हैं प्योर रोलिंग अगर तो आप प्योर रोलिंग लगा लोगे तो फिर एक्सप्रेशन कनेडिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग कैसे बदलेगा देखो दैट इज हाफ ऑफ एम इंटू वी अब वी को क्या लगाओगे आर ओमेगा क्यों क्योंकि प्योर रोलिंग है भाई सो दैट बी हाफ इंटू एम वी की जगह आर ओमेगा सो वी जाएगा आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस हाफ स्क्वाई ओमेगा स्क्वायर है ना ये तो एज इज छोड़ दिया हमने वी की जगह क्या लिख दिया ओमेगा लिख दिया क्यों क्योंकि प्योर रोलिंग है कंडीशन लगाई है अब पहले नहीं लगाई थी अब लगाई है अब क्या हुआ इसके, इसके स्क्वायर कॉमन आ रहा है पहले एक में दिख रहा था लेकिन दिख, दिख रही थी तो हमने कंबाइन कर लिया तो हाफ कॉमन हो गया आई प्लस एमआर स्क्वेयर आ गया क्या आ गया आई प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि पहले आई लिया कहां था भाई पहले रोटेशन कहां देखी थी सेंटर का बोर्ड देखी थी इसका पहले जो मूवमेंट ऑफ हमने लिया था इस एक्सप्रेशन में इस बारे में तो कहां पे लिया था मूवमेंट ऑफ भी, भी अब क्या हो रहा है रिड्यूस करके ये बन रहा है हाफ इंटू आई प्लस एम आर स्क्र मतलब आई क्या आई सी एम प्लस एम आर ये मजेदार है आईसीएम प्लस एम आर स्क्वे मतलब ये देखो ये सेंटर के अब क्या होगा आईसीएम और ये लोएस्ट पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो लोएस्ट पॉइंट लगाओगे किस दोनों के बीच में एक तो सेंटर वाली जो एक्सिस है और एक जो लोएस्ट पॉइंट है उनमें पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाओगे तो लोएस्ट पॉइंट पे किस पे लोएस्ट पॉइंट पे विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोएस्ट पॉइंट पे

लेकिन जब एंड एक्सप्रेशन बना है सारा जुगाड़ करने के बाद प्योर रोलिंग लगाने के बाद तो ये तो प्योर रोटेशन दिख रहा है ये तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है इसमें ट्रांसलेशन दिखी नहीं रही है यही तो कॉन्सेप्ट है कि आप क्या देख रहे थे कि सेंटर को देख रहे थे तो सेंटर पे व्यू और ओमेगा दिख रही थी तो कॉन्सेप्ट कहता है दैट इज इक्विवेलेंट टू कि आप ये देखो कि लोएस्ट पॉइंट के अबाउट ओमेगा एज्यूम कर लो तो लोएस्ट पॉइंट तो हिल लेगा नहीं क्योंकि वो तो रेस्ट पर रहता है हमेशा प्योर रोलिंग में तो लोएस्ट पॉइंट की अब क्या हो गया रोटेशन में हो गया तो सीधा एनर्जी कौन सी लिख दोगे दो आई, पर ध्यान रहे कि आई कौन सा यूज करना पड़ेगा आई वो यूज करना पड़ेगा ना जो लोएस्ट पॉइंट पे होगा वही तो ये एक्सप्रेशन समझा रहा है तो आपकी चॉइस है जी देखो आपकी चॉइस है आपकी मर्जी है आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं आप दोनों टर्म्स को अलग अलग लिखना चाहते हैं तो भी सही है आप काइनेटिक एनर्जी को लिखना चाहते हैं देखो हाफ एम बी स्क्वायर मैं ऐसे लिखूंगा और प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा ध्यान रखे उसके अंदर आई सेंटर मास के अबाउट अब ये पूरा लिखना चाहते हैं लिखिए बिल्कुल है, सही है कोई गलती नहीं है इसके अंदर फर्स्ट क्लास है पर देन एक स्टूडेंट कहता है कि सर मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ चुका हूं तो मेरे लिए इजी है इजी क्या है इसको सीधा आप लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा उसको लेकिन कहाँ पे लोएस्ट पॉइंट के अबाउट सेंटर के अबाउट वो देखेंगे तो रोलिंग में दिखेगा लोएस्ट पॉइंट के अबाउट क्या देखेगा रोटेशन में दिखेगा लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पर होनी चाहिए उसी पॉइंट के अबाउट कहां पे लोएस्ट पॉइंट के अबाउट उसको क्या बोलते हैं आई ए ओ आर ये ध्यान रखिए ये आपका मास्टर फॉर्मूला है जैक पॉड फॉर्मूला है

सीधा वी लिख रहा हूँ मैं अभी एंड प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये होना चाहिए था लेकिन हमने अपने दिमाग से उसको लिख दिया हाफ आई अबाउट द लोएस्ट पॉइंट हाफ आई ए ओ एर इंटू ओमेगा स्क्वायर ये लिख दिया ठीक है है अब और तरीका, और तरीका तरीका क्या सर इसमें देखो पुरानी सारी बातें हमेशा जिंदा रहती हैं कोई भी कहीं नहीं जाती है सारी बातें जिंदा रहती हैं तो वैसे ही काइनेटिक एनर्जी है सारी काइनेटिक एनर्जी रोलिंग की है तो मैंने कुछ नहीं लिख रहा हूँ सिंपल के का मतलब है टोटल एनर्जी है ठीक है के का मतलब टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू एम वी स्क्स हाफ आई अब आई को लिखने का मेरा मन है एक पुराने तरीके से जो हम पहले लिखा करते थे देखो सारी बातें जो पुरानी है वो कहीं ना कहीं तो यूज होंगी ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा जाता था एम के स्क्वे क्या था भाई मेरे याद है बिल्कुल याद है सर रेडियस ऑफ गायरेशन रेडियस ऑफ गायरेशन तो ऐसा रेडियस ऑफ गायरेशन तो लिख देते हैं भाई आई की जगह कितना एम के स्क्र इन ओमेगा स्क्वायर अब प्योर रोलिंग ही रहा है, है रहा है अपना तो अगर हम प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं तो प्योर रोलिंग के अंदर लिख सकते हैं तो देखो आई की जगह लिखा है एम के स्क्र और ओमेगा की जगह लिखेंगे सारे सवाल एक जैसे नहीं होते तो मतलब

तो ठीक है तो हमारे को दो दो चीजें मिल गई एक तो ये एक तो बेसिक है भाई हाफ है कुछ नहीं याद आ रहा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा तो बेसिक तो लगा ही सकते हो ना कभी भी हाफ एमबी स्क्सोर थोड़ा फास्ट बन रहे हो एडुकेट हो रहे हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो कि मजेदार है और फिर इस तरीके से रेडियस ऑफ गेशन को भी हमने बीच में कहीं फंसा दिया है ना ताकि उसके भी क्वेश्चन हम कर पाए तो इन सारी बातों को लेके आगे बढ़ते हैं भाई तो ये बात हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा ट्रांसलेशन से आता है कुछ हिस्सा रोटेशन से आता है क्योंकि दोनों की मिली भगत है वी भी हो रहा है ओमेगा भी हो रहा है, है ना अब देखो वीवल टू आर ओमेगा ये बिल्कुल सही है जिसको हमने क्या समझा वी टी इज इक्वल टू वी रोटेशन ये बात हमने समझी ठीक है और हमने ये भी समझा है कि वी की वैल्यू आर ओमेगा के बराबर है ये भी बात हमने समझी तो हमने ये जरूर बोला सुनिएगा मेरे ध्यान से हमने ये जरूर बोला कि देर अ सिंक बिटवीन द

फिर कितना हिस्सा है भाई किसका उसको हम बोलेंगे एज एन आर्टिकल ऑफ 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 द द फ्रैक्शन एनर्जी इज इज लीनियर मोशन मोशन एंड रोटेशनल तो चलो ढूंढते हैं और निकालते हैं कैसे पहले तो टोटल एनर्जी लिख लेते हैं और ये सब कुछ हम प्योर रोलिंग के लिए लिख रहे हैं सब कुछ ठीक है ना और प्योर रोलिंग के लिए हमने अभी अभी एक्सप्रेशन ढूंढा और हमने ढूंढा कि जो कनेंटिक एनर्जी आएगी दैटी हाफ इन टू एम वी स्क्वायर एंड इंटू वन प्लस के स्क्र अपॉन आर स्कोर ये रिलेशन अभी हमने ताजा ताजा बनाया अभी अभी बनाया है ना दो तीन मिनट पहले अब हमें कहा जाता है कि के टी का फ्रैक्शन निकालो मतलब कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसलेशन में है ये बताओ मतलब मान लो कि टोटल एनर्जी टेन जाउल है तो उसके अंदर से फोर जाउल जो है वो ट्रांसलेशन में है तो फ्रैक्शन कितना हो गया फोर बाय टेन पॉइंट फोर हो गया मतलब चालीस प्रतिशत हो गया ना तो ये फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं तो ट्रांसलेशन कितनी है हाफ एम वी स्क्ट हाफ एम वी स्क्ड बहुत ब्यूटीफुल चीजें निकलेंगी अभी धीरे धीरे अब ये पूरा हाफ एम वी स्क्र कैंसिल हो जाता है और रिलेशन वन अपॉन वन प्लस अपॉन आर स्क्वेयर आ जाता है अब आप चाहें तो इस तरीके से याद कर सकते हैं मेरा प्रेफरेंस है कि आप इस तरीके से याद कर ले

विच अ पार्ट ऑफ लीनियर मोशन मतलब लीनियर मोशन का कितना हिस्सा है और रोटेशन का फ्रैक्शन कितना आएगा जितना रोटेशन की है डिवाइडेड बाई टोटल अब रोटेशन वाली कितनी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ठीक है ना हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मतलब हाफ आई का मतलब एम के स्क्वा स्क्वेर मतलब वी को टू आर ओमेगा स्क्र तो ओमेगा कितना होगा वी बायर हो गया वी स्क्र बाय स्क्वेयर अब इसमें हाफ हाफ और एम वी स्क्सल होगा और ये आपका आ रहा है स्क्र अपॉन आर स्क्र ये तो भाई थोड़ा सा लंबा है है ना तो इसको एलसीएम लेके ऐसे आ जाएगा और अगर कोई बोलता है रेशियो ऑफ द रोटेशन अपॉन ट्रांसलेशन कितना है तो वो सुखा है स्क्वेयर बायर इन दोनों को अगर डिवाइड कर लोगे तो मिल जाएगा आपको ये स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर तो ये आपके एक्सप्रेशन से बन गए मतलब काइंड ऑफ शॉर्टकट फॉर्मूले बन गए हैं है ना क्वेश्चन आप इसको वैसे भी निकाल सकते हो मतलब उसी समय पे भी निकाल सकते हो कि डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी कितनी फ्रैक्शन हो गई है ना हाफ आई टोटल एनर्जी कितनी फ्रैक्शन हो गई ये मतलब इतने सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो किताबों में शॉर्टकट्स दिए जाते हैं तो मैंने भी बता दिया आपको शॉर्टकट भूल भी गए तो भी आप मतलब आराम से कर सकते हो हाफ एम बी अपॉन टोटल फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशन हाफ आई ओमेगा स्क्र अपॉन टोटल फ्रैक्शन के भी आप इस बात को कर सकते हो ठीक है पर फॉर्मुला भी है तो आ, क्या गम है ना उसको भी यूज कर सकते हैं तो देखते हैं भाई कैसे यूज होगा ना इसको ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेसिकली रोलिंग मोशन को कैटर करता है क्या क्वेश्चन है ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है आज भी चलेगा और नेक्स्ट वाले में भी नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं इसको कराऊंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ठीक है तो ये एक रिजिड बॉडी है मुझे नहीं पता किस तरीके की कि देखने में स्वेड़ लग रही है पर इसको एक जनरल रिजिड बॉडी बना लेते हैं अब जनरल रिजिड बॉडी के कोई ना कोई कैरेक्टर होंगे जैसे मास गेवन है रेडियस है मूवमेंट ऑफ एनर्शिया होगा इसका आई लिख लेता okay, so है उसको लिख लेते हैं ठीक है मासन या रेडियस गेवन अब ये अभी रेस पर है दोबारा बोलते हैं ये अभी रेस्ट पर है तो इसकी यू जीरो है और साथ में ओमेगा भी जीरो है किसी भी प्रकार का मोशन इसके अंदर नहीं था अब हमने क्या करा है इसको तो रोल कर क्या दिया क्या कर दिया रोल कर दिया हमने क्या करा हमने धक्का मार दिया बेसिकली इसको इम्पल्स दिया छोड़ दिया अब ये गया नीचे अब नीचे जाएगा तो क्या सिदाई में जाएगा भाई हमने तो ऐसे बड़ा हुआ है सिदाई में जाना चाहिए बिल्कुल सीधा उसका सेंटर हमारा सीधे जाना चाहिए तो सेंटर हमारा सीधे जाएगा उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है पर क्या ये रोटेट करेगा भाई हमने तो दी नहीं रोटेशन ओमेगा नॉट टू तो जीरो है, तो अपने आप कैसे रोटेट कर सकता है भाई ये तो गलत बात है ना अपने आप कैसे रोटेट करेगा तो अगर तो कोई और फोर्स नहीं है कोई और फोर्स नहीं है मतलब देखो एम जी साइन थिएटा तो लग रही है एम जी साइन थियेटा तो देखो इधर लग रही है और वो उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगी है ना क्योंकि एक्सेलरेशन आ जाएगी जी साइन थीटा इसकी वजह से स्पीड तो इंक्रीज हो जाएगी तो यू तो बढ़ गई ना जीरो थी अब वी आ जाएगी सेंटर की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन ओमेगा तो जनरेट होगी नहीं सेंटर तो से पास करिए तो, कर अच्छा, अच्छा, कर तो ये जितनी भी फोर्सेस है नॉर्मल और एमजी साइंटेडा एमजी कॉस्डा ये कुछ नहीं कर पाएंगे रोटेशन में तो अगर तो और कोई फोर्स नहीं हुई मतलब सीधा बोलता हूं अगर फ्रिक्शन नहीं हुई तो फिर ये रोटेट नहीं कर सकता मेरे भाई सो फॉर द स्मूथ सरफेस देर वॉन्ट बी एनी रोटेशन तो अगर तो ये स्मूथ है सो इन दैट कंडीशन देर के नॉट बी एनी रोटेशन क्योंकि कोई भी फोर्स टॉक नहीं लगा सकती रीजन रीजन टॉक इज ऑनली अप्लाइड बाय टॉक इज ऑनली अप्लाइड बाय टेंजेंशियल फोर्सेस

और अल्फा से क्या क्रिएट हुई होगी ओमेगा और तब जाके सेंटर पे ओमेगा क्रिएट हुई होगी अल्फा के बाद एंगुलर एक्सेलेशन आ गई टॉक की वजह से और एंगुलर एक्सेरेशन ओमेगा क्रिएट कर दी तो भाई अब इसकी ओमेगा भी बढ़ेगी और वी भी बढ़ेगी है ना मजेदार अच्छा फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा के अपोज करेगी है ना एमजी साइन थीटा तो नीचे लग रही है तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगी है ना साथ में टॉक क्रिएट करके ओमेगा को इंक्रीज करेगी तो v भी इंक्रीज हो रही है ओमेगा भी इंक्रीज हो रही है तो क्या ऐसा हो सकता है कि v और ओमेगा में कोई ताना बाना बन जाए बन सकता है उसको क्या बोलेंगे प्योर प्योर रोलिंग रोलिंग तो अगर प्यूर सेट हो जाती है जैसा क्वेश्चन बोलेगा आपको मैक्सिमम कंडीशन में इस प्रकार इस क्वेश्चन में तो हम बोल ही रहे हैं प्योर रोलिंग अगर हो जाती है तो इसका मतलब वी की वैल्यू आर ओमेगा के बराबर हो जाएगी तो v क्रिएड हुआ mg sin थीटा ने करा ठीक है ना ओमेगा क्रिएड हुआ किसने क्रिएट करा वो फ्रिक्शन है टॉक लगा के और फिर सेटिंग भी हो गई है ना? तो फिर ये, तो ये क्वेश्चन से, से आपने इसको रिलीज कर दिया और अब ये घूमता 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 नीचे आ रहा है, है आईपैड में समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा इजी लगता है ना तो जब ये नीचे की तरफ आ रहा है ना तो क्या हो रहा है एनर्जी

तो ये रिलेशन बन गया लॉस इन जीपी कितने हाइट एच नीचे तो जितना नीचे आएगा उतनी वी और इंक्रीज होती जाएगी तो बस सो, सो किसी बात है इजी बात है। और हमेशा वी की वैल्यू आर ओमेगा के बराबर है है ना मतलब वी भी इंक्रीज हो रहा है ओमेगा भी इंक्रीज हो रही है तो सेट है आर तो कांस्टेंट है ना तो वी इक्वल टू आर ओमेगा ओमेगा बढ़ेगी और वी बढ़ेगी तो बढ़ती जा रही है क्यों क्योंकि हाइट एच नीचे आता जा रहा है वो� तो जब वो नीचे पहुंचा तो उसकी सेंटर अमार स्पीड कितनी है यह आपकी प्राइम डेरिवेशन है कि आपको सेंटर अमर स्पीड निकालनी है जब वो एच हाइट नीचे पहुंचता है तो बहुत आराम से निकल गई ये आपकी वीसीएम आ गई है सेंटर अमर हाइड है ये जो पूछी गई है तो ये एम तो कैंसिल हो गया मास रहित हो गया इट्स फ्री ऑफ मास एक्सप्रेशन विच वी आर डिराइविंग इज फ्री ऑफ मास तो काइंड ऑफ काइनामेटिक्स बन गई है ये टू ऊपर चला गया टू जी हो जाता है और वन प्लस के स्कोयर अपॉन आर स्क्वेयर डिनोमिनेटर में आ जाता है क्या बन गया ये वीसीएम का एक्सप्रेशन बन गया रूट टू जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्र अपॉन आर स्क्र मैंने बोला था ना के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वे इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर आस तो ये आपकी स्पीड आ गई है सेंटर वहां से एक डेरीवेशन है छोटी सी डेरिवेशन है बिल्कुल लंबी नहीं है

So, तो वो, so, वो कितना है एस हो गया तो so, यहां से मुझे ए सी एम की वैल्यू मिल जाएगी वी स्क्वे इसको स्क्वेयर कर लो ये हो गया टू जी एच एंड अपॉन वन प्लस के स्क्र अपॉन आर स्क्वेर इज इक्वल टू टू ए सी एम मुझे डिराइव करना है Into S, S मैंने से लिया H upon sin theta. अब है है जैसे कि uh, 2NH, 2NH cancel हो जाते हैं ऊपर चला जाता है, और मुझे ए सी एम की वैल्यू मिल जाती है ये बन जाता है फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर मास अच्छा थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि जाने बचाने से रिलेशन है

डिस्क है है पता नहीं किस तरीके के रिजिड बॉडी है तो शेप फैक्टर आएगा उसके हिसाब से हर शेप फैक्टर के लिए एक डिफरेंट एक्सेन होगी एक डिफरेंट वेलोसिटी होगी मतलब रिंग के लिए अलग होगी डिस्क के लिए अलग होगी शेल के लिए अलग होगी स्पीयर के लिए अलग होगी अब देखो काइनामेटिक्स पूरी करने का समय आया हमें पता चल गया कितना डिस्टेंस नीचे आया हमें पता चल गया नीचे पहुंच के वेलोसिटी कितनी है हमें पता चल गया कि एक्सेलेशन कितनी है अच्छा आप कोई कि अल्फा कितनी है तो वो भी निकाल सकते हो भाई देखो ए सी एम इज इक्वल टू आर अल्फा तो इससे अल्फा भी मिल जाएगी और वी इक्वल टू आर ओमेगा भी है उस ओमेगा भी मिल जाएगी तो वो सारे टर्म्स भी निकाल सकते हो आप ओमेगा भी निकाल सकते हो अल्फा भी निकाल सकते हो बचता क्या है सब में टाइम बच गया तो कितने समय में नीचे आया वो भी तो एक क्वेश्चन बनता है ना काइनामेटिक्स का तो अब हम निकालते हैं कितने समय में वो नीचे आया चलो निकाले कितने समय में नीचे आया तो उसके लिए सेकेंड क्वेश्चन लगाते हैं

अब इसके अंदर साइन थीटा कैंसिल नहीं हो रहा है ये जाएगा आराम से लिखा है कोई मतलब खबरा दबरी भी, भी नहीं है बहुत आराम से एक्सप्रेशन आ रहा है और इससे एक्सप्रेशन बन भी जाता है इक्वल टू रूट लेंगे तो वन अपॉन साइन थीटा बाहर आ जाएगा रेस्ट ऑफ इट इज टू एच अपॉन जी and into 1 plus k square upon r square that becomes your expression for the time tn expression banaya bhai humne ek to time ka ek vcm ka vcm as equal to root of 2gh upon 1 plus k square upon r square aur teesra humne banaya for acceleration of the center mass that is g sin theta and upon 1 plus k square upon r square so all the expressions over here are valid whenever there is friction matlab ye रफ सरफेस है ध्यान रखिएगा नहीं तो ओमेगा नहीं आएगी ये ध्यान रखिएगा वॉट इफ द क्वेश्चन अगर वो रफ नहीं है और स्मूथ है क्या है अगर स्मूथ है अगर स्मूथ सरफेस है ये सारे एक्सप्रेशन रफ के लिए है अगर स्मूथ हो जाएगा तो रोटेशन नहीं होगी दे विल बी नो रोटेशन तो अगर रोटेशन नहीं हुई तो फिर क्या होगा कि तो भाई ओमेगा नहीं आएगी तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म नहीं आएगी तो मोमेंट ऑफ एनेशिया यूज ही नहीं होगा क्योंकि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में तो ही तो मोमेंट ऑफ एनेशिया यूज हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज ही नहीं होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर होता है मतलब के स्क्वायर वाला फैक्टर नहीं आएगा मतलब उसके लिए आपका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जीरो हो जाएगा अगर सरफेस स्मूथ हुआ फ्रिक्शन नहीं होगी तो रोटेशन नहीं होगी टॉर्क नहीं लगेगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर नहीं होगा तो ये एक्सप्रेशन आपके पुराने जमाने वाले आ जाएंगे आपके एक्सेलेशन ऑफ द सेंटर जी थीटा बन जाएगी जैसा आप न्यूटन लॉज में करते थे सेम जी थीटा आ जाएगी VCM आपका रूट टू जी रूट टू एच जी आ जाएगा के स्क्र को भी जीरो पहले क्वेश्चन होते थे उस तरीके में रिड्यूस हो जाएगा तो अब बेसिकली आपको समझ में आने लगा होगा कि के स्क्वेयर अपॉन ऑस्फेयर बेसिकली शेप फैक्टर है हमने बहुत डिटेल में इस बात को समझा था कि रेडियस ऑफ बेसिकली शेप फैक्टर होता है तो क्वेश्चन जो है वो उसी के ऊपर हिट करके आपको आएगा शेप्स के ऊपर हिट करके आएगा किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा मजेदार क्वेश्चन कैसे होगा देखते हैं सो दिस लाइक द क्वेश्चन इज सो कैन सी द टू ओवर अब एक बॉल दिख रही है और ऊपर एक रिंग दिख रही है ऊपर क्या है डिस्क मान लेते हैं चलो ऊपर एक डिस्क है और नीचे एक बॉल है और ये एनिमेशन हमें ये दिखा रहा है कि जो बॉल है ना नीचे वो जल्दी फटाफट -फड़ रोटेट करके नीचे आ रही है और जो पूरा डिस्क है उसको थोड़ा टाइम लग रहा है इसका मतलब नीचे पहुंचने में नीचे पहुंचने में शायद इस बॉल को कम समय लगेगा अब ऐसा क्यों होगा वो हम देखते हैं ये एक बेहतरीन सा आर्टिकल है पर इस आर्टिकल को टच करने से पहले ये भी ये रेस लगी है ये रेस दिखा रहे हैं ठीक है ना इस रेस को समझने के लिए आई फर्स्ट ऑफ ऑल फिल दिस टेबल एंड देन आई विल कम टू दैट क्वेश्चन ओवर दे अब मैं चार तरीके का ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि ज्यादातर क्वेश्चंस में अपीयर होते हैं

डिस्क एंड एस सी एस सी मतलब क्या है यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर, ठीक है और उसका ठीक है MR2 कितना? MR2 MR2. थीके? चलो, थीके जी अब आ जाता है तीसरा ऑब्जेक्ट हमारा शेल स्फेरिकल शेल तो स्फेरिकल शेल आप होलोस्वेर भी बोल सकते हो ठीक है ना तो स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ एनेशिया कितना होता है भाई दैट इज टू बाई थ्री ऑफ एम आर और टू बाई थ्री का मतलब क्या होता है पॉइंट सिक्स सेवन एम आर ये सारी बातें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करी हुई है पहले आज हमने एक्स्ट्रा कुछ और करना है साथ में और फिर हमारा आता है सॉलिड स्पेयर या सिंपल स्फीयर और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है एम आर स्क्वायर और टूंट फाइव एम आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया पॉइंट फोर एम आर स्क्वायर हो गया है ना तो इन सब में से सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीस्ट लीस्ट है इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिंग या होलो सिलेंडर का मैक्सिमम है ऐसा मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सारी बातें भी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लेक्चर में ऑलरेडी करी हुई है

रिंग अच्छा बोलो, लिए क्या होगा सर ये तो सौखा गया सर एम कैंसिल हो गया के स्क्र बाईर टू बाई थ्री आ गया सर बेसिकली वो बन गया जो की मूवमेंट ऑफ एनेशिया का फैक्टर है वो बन गया स्क्र

that is 1 upon 1 plus k square upon r square that's a fraction of kinetic energy in translation acha to ab dekho agar ye ring hai to kitna ho jayega 1 upon 1 plus 1 kyunki k square by r square ring ke liye kitna hai 1 so hence the fraction becomes 1 upon 2 तो रिंग के केस में आधी एनर्जी क्या है ट्रांसलेशन और आधी एनर्जी क्या रहेगी रोटेशन करेक्ट है जी बिल्कुल फिफ्टी फिफ्टी परसेंट किसमें ring के केस में

तो so, so, ज्यादातर कौन सी होगी ट्रांसलेशन हो गई कम क्या है रोटेशन है ठीक है ना वन अपॉइन वन प्लस टू बाई थ्री तो कितना हो गया थ्री अपॉन फाइव सो थ्री अपॉन फाइव का फैक्टर आ गया आपका या. तो ये आपका टू अपॉइंट फाइव हो जाएगा है ना अब नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर द केस ऑफ स्फीयर

तो हाफ प्लस वन थ्री बाई टू थ्री बाई टू इन टू हाफ थ्री बाई फोर सो थ्री अपॉन फोर एम बी स्क्वेयर आपका डिस्क और सॉलिड सिलेंडर मैंने जहां तक देखे हैं इसके क्वेश्चन मैंने सबसे ज्यादा देखे हैं डिस्क और सॉलिड सिलेंडर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन रोटेशन में इसके होते हैं सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्फेरिकल शेल तो वन प्लस टू क्योंकि के स्क्वेयर बाय कितना हो गया टू बाई सो वन प्लस टू हो गया हमारा फाइव बाई थ्री फाइव बाई थ्री इंटू हाफ सो फाइव अपॉन सिक्स आखिर में बच गई अपनी बॉल है ना क्रिकेट बॉल सॉलिड सोलि तो उसका फैक्टर कितना सो so, मैं so, मैंने ज्यादातर क्वेश्चन तो आपके इसके आते हैं सिलेंडर और स्वेयर के ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन तो एनर्जी चार ही है याद कर लो इजी रहेगा जीवन मैं बता रहा हूं आपको जीवन ईजी रहेगा ये याद कर लोगे तो ज्यादा मुश्किल है भी नहीं चार क्वेश्चन में लगा के अपने आप ही मुंह पे चढ़ जाती है ये बहुत ही बेहतरीन टेबल है इतने सारे क्वेश्चन है एक तरीके के सारे क्वेश्चन है जो तो टेबल में मैंने आपको भर्ती कर दिया है और लिंक बना के करें ऐसा नहीं करें कि मतलब करे की तरह मतलब बस याद कर लेना है के स्क्र बाय आर स्क्वेयर वो भी रट्टा नहीं मारा वो तो बेसिकली शेप फैक्टर निकल गया कि डिस्क का शेप फैक्टर हाफ है स्पेरिकल शेल का टू बाय थ्री है सॉलिड स्वेयर का टू बाय फाइव है वही मोमेंट ऑफ ऑफे का फैक्टर है वही आपका शेप फैक्टर है रिंग के लिए पूरा वन है वान का सिग्निफिकेंस क्या है कि आधी एनर्जी ट्रांसलेशन होगी और आधी एनर्जी रोटेशन होगी क्योंकि वो रिंग का शेप है अगर वो डिस्क का शेप है तो टू थर्ड एनर्जी ट्रांसलेशन में जाती है और वन थर्ड रोटेशन में जाती है बात समझ में आ रही है तो शेप फैक्टर डिसाइड करता है कि कितनी एनर्जी का पार्ट ट्रांसलेशन में रहेगा और कितना रोटेशन में रहेगा कोई आपसे पूछता है क्या हमेशा 50%, 50 होगा मैंने कहा हो सकता है है अगर वो ऑब्जेक्ट रिंग तो एनर्जी 50 -50 kind of हो सकती है से मैंने आर्टिकल को शुरू किया था अब चलो ये आपको पता चल चुका है आपको क्या पता चला के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर मिनिमम किसका है ये मिनिमम आपका किसके लिए है दैट इज फॉर द सॉलिड स्फीयर और मैक्सिमम किसके लिए है मैक्सिमम इज फॉर द रिंग ठीक है ये बात आपको पता चल चुकी है तो ये पुराना वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है रेस वाला ये रेस वाला क्वेश्चन देखते हैं कितना मजेदार सा क्वेश्चन है रेस वाला अब ये रेस लगी हुई है अब चार चीजों में रेस लगी चार चीजें क्या थी हमारे पास एक हमारे पास है सॉलिड स्फीयर ठीक है स्फीयर लिख लेते हैं एक हमारे पास है शेल और एक हमारे पास है रिंग ठीक है और एक हमारे पास है सिलेंडर सिलेंडर मतलब सॉलिड सिलेंडर ठीक है तो ये हमारे पास दिया है चारों में रेस लग गई और चारों को हमने यहां से रिलीज कर दिया और चारों की स्पीड जीरो और ये प्लेन रफ है तो, तो अब कौन सबसे पहले नीचे आएगा ये पता रहे है। और कौन बाद में आएगा ये पता रहे है। वो एनिमेशन देख के पता चल गया कौन पहले आ गया कौन पहले आ गया देख के क्या पता चला बॉल सबसे पहले आ गई है एनिमेशन देख के पता चल रहा है कि बॉल देखो सबसे देखना आप ऊपर वाले इस वाले एनिमेशन में बॉल सबसे पहले पहुंच गई ये वाली देखो बॉल सबसे पहले पहुंच गई रिंग सबसे लास्ट में पहुंची है अब ये हम कैसे करेंगे कि टाइम का एक्सप्रेशन देख लेते जो हमने बनाया था आसान सी बात हो गई है हाइट सबके लिए, सब लिए सेम है ये पूरी हाइट सबके लिए सेम है ये, सब ये थीटा सबके लिए सेम है तो क्या फर्क है भाई वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वेर तो बेसिकली क्या फर्क है शेप फैक्टर के स्क्वे बाई आर स्क्तर तो जिसका स्क्र स्क्र मिनिमम है वो सबसे पहले आएगा तो अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड स्फीयर के लिए सबसे कम होता है इस वजह से जो स्फीयर है वो सबसे पहले आएगा उसका शेप फैक्टर क्या है टू बाई फाइव टू बात है ना अब उससे ज्यादा कितना होगा पॉइंट फोर से ज्यादा पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव किसका होता है डिस्क का होता है मतलब सिलेंडर का होता है तो फिर सिलेंडर आएगा तो पहले स्फीयर पहुंचेगा फिर सिलेंडर पहुंचेगा फिर कितना आएगा नेक्स्ट पॉइंट सिक्स सेवन पॉइंट सिक्स सेवन तो वो किसके लिए होता है शेल के लिए फिर शेल पहुंचेगा और आखिर में कौन पहुंचेगा आखिर में अपनी रिंग पहुंचेगी क्योंकि उसका शेप फैक्टर सबसे ज्यादा है तो उसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा जो दैट इज टी ऑफ द रिंग सो ये आपका सीक्वेंस बन गया है इन असेंडिंग ऑर्डर बोल दें तो सबसे पहले स्पीयर फिर सिलेंडर फिर शेल और फिर ये पहुंच गए अब साथ में मान लो क्यूब आ गया के आगे क्यूब आ गया इस वाले में देखो क्यूब भी है साथ में अब एनिमेशन से तो देखा गया क्यूब सबसे पहले पहुंच गया भाई क्यों पहुंच गया रीजन क्यूब में कोई रोटेशन नहीं हो रही देख रहे हो इसको इसमें कोई रोटेशन नहीं है उसमें कोई रोटेशन नहीं है अगर उसमें रोटेशन नहीं है तो उसका k स्क्वायर बाय r स्क्वायर जीरो है तो बाकी सब में तो 1 k स्क्वायर बाय r स्क्वायर है ना तो 1 में कुछ तो ऐड हो रहा था ना

का जैसे ट्रांसलेशन हो गया सभी का ट्रांसलेशन हो जाएगा और इस वजह से सारे इकट्ठे पहुंचेंगे क्या आंसर लिखोगे आप सारे इकट्ठे पहुंचेंगे नीचे और चार सॉलिड फेयर है क्या है चार सॉलिड स्पेयर है और रफ सरफेस है एक का मास एम दूसरे का टू एम तीसरे का थ्री एम चौथे का फोर एम कौन सबसे पहले नीचे पहुंचेगा तो हम बोलेंगे सारे इकट्ठे पहुंचेंगे क्योंकि एक्सप्रेशन मास से फ्री है एक्सप्रेशन में कोई मास नहीं है शेप का फर्क पड़ेगा मास का नहीं पड़ेगा सो ऑल द विल रीच साइमल्टेनियसली अगर उनका मास डिफरेंट है तब भी अगर मास डिफरेंट है तो भी क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करता और साथ में रेडियस पे भी डिपेंड नहीं करता है.

तो सारे के सारे स्वीयर इकट्ठे ही नीचे पहुंचेंगे हाँ शेप अलग होगा तो डेफिनेट बात है फिर टाइम अलग अलग लगेगा सो दैट वाज इट दैट वाज इट एज अ क्वेश्चन एंड अ वेरी नाइस क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन राइट तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम रोकते हैं कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से और uh, कल के बाद मतलब मैं इस आर्टिकल को और ब्रेक दे के मतलब ब्रेक नहीं दूंगा मैं डेली इसके क्वेश्चन आपको कराता रहूंगा और मैं ग्रेविटेशन साथ में शुरू कर दूंगा ठीक है ना ग्रेविटेशन साथ में शुरू कर दूंगा इसके क्वेश्चन चलते रहेंगे वन वीक तक इसके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता रहूंगा ठीक है रोटेशन के रोलिंग मोशन के क्वेश्चन डीबीपीस चलते रहेंगे इसके एमसीक्यू चलते रहेंगे एनसीआर क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं वो भी सारे चलते रहेंगे साथ में और साथ में ग्रेविटेशन में शुरू करा दूंगा ठीक है तो कल हम सेम टाइम पे मिलेंगे ठीक है ना सारे आइएगा कल दोबारा से सेम टाइम पे ठीक है चलो फिर आज के लिए बाय बाय करते हैं थैंक यू फॉर टुडे दोबारा मिलते हैं ठीक है बाय बाय एवरीवन बाय